राम राम। एक दिन मैं अपने गुरुजी के कार्यालय में बैठा था। कोई जातक उनको कुंडली दिखा रहा था, तो कुंडली दिखाते हुए गुरुजी ने उन्हें एक उपाय बोला कि आप ये बतासे मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देना, और उससे अगले मंगलवार ये बतासे आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखना जो मंदिर के अंदर हो बृहस्पतिवार के दिन। तो बतासे क्या होते हैं पहले ये समझें। ये हैं बतासे, ठीक है ना। इसको हम बतासे या पतासे भी कहते हैं, तो अलग अलग भाषा का प्रभाव है, बताशे ज़्यादा कहते हैं इनको भारत में, ठीक है ना। तो ये मीठे के बनते हैं। मीठा जैसे कि आप सभी जानते हैं मंगल ग्रह की वस्तु है, और जो जो सफ़ेद रंग है ये चंद्रमा का है। तो मीठा यानी कि मंगल और चंद्र, इसमें सफ़ेद रंग। मैंने उत्सुकता में भरकर अपने गुरुजी से पूछा ये बतासे का उपाय क्यों किया जाता है, इसका आज मुझे लॉजिक बताएं। हमारे धर्म में कई जगह पर बतासे का प्रसाद चढ़ाया जाता है, वितरित किया जाता है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि देख बेटा, जिंदगी में एक बात याद रखना, जो एक ग्रह है हमें सबसे ज्यादा परेशान करने वाला, वो है मंगल। मंगल के विषय में जब हम लाल किताब में पढ़ते हैं तो वहां पर हमें बताया जाता है कि मंगल वो ऊर्जा है, इसका कोई पता नहीं ये किस समय खराब हो जाए, बद हो जाए। तो इसके संदर्भ में आप जानते हैं, आपके घर के बच्चे बड़े अच्छे चल रहे होते हैं, एकदम से बिगड़ जाते हैं, बदतमीज हो जाते हैं, जुबान लड़ाने लग पड़ते हैं। और ऐसा ही समाज में हमें देखने को मिलता है। इंसान अच्छा भला चलता जा रहा है, एकदम से किसी के साथ भी झगड़ा हो जाता है, उस समय वो अपनी सुध बुध खो देता है, लड़ाई झगड़े में लिप्त हो जाता है, और ऐसी अवस्था में ही किसी से मर्डर भी हो जाते हैं, खून भी हो जाते हैं। ये खून कई बार परिवार वाले लोगों को भी हो जाते हैं गुस्से में, और बाहर के भी। उसके बाद क्या होता है, जेल यात्रा, और जिंदगी तबाह हो जाती है। यानी कि मंगल वो ऊर्जा है, अगर ये ऊर्जा सही जगह केंद्रित की जाए तो ये पहाड़ उठाकर भी ला सकती है और पहाड़ को चीर भी सकती है। लेकिन अगर यही ऊर्जा गलत रास्ते पर चल दे तो आपका सर्वनाश कर सकती है। गुरुजी ने कहा इसीलिए सनातन धर्म में मंगल के उपाय सबसे ज्यादा किए जाते हैं। वो किस तरह, माता दुर्गा को भी हलवा चढ़ाया जाता है, भगवान राम को मीठा, भगवान विष्णु जी को मीठा, कृष्ण जी को मीठा, है ना, हनुमान जी को मीठा, मतलब कि मीठे का भोग लगवाया जाता है। और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर फिर मीठा। और ये मीठा हमने क्यों लिया, कहते बताशे के रूप में। बताशा देखिए, कहते मीठा है, मंगल है, मोटे तौर पर माने सफेद रंग चढ़ गया तो ये किसका हो गया, चंद्र मंगल। तो चंद्र क्या करता है, मंगल को शांत करता है, यानी कि मंगल की उस बुरी ऊर्जा जो कि गुस्से में किसी का सर्वनाश कर सकता है, सफेद रंग इसी में लिया जाता है। तो आपने भी कई मंदिरों में, धर्म स्थानों में देखा होगा, वहां बतासे का प्रसाद इसीलिए दिया जाता है या चढ़ाया जाता है कि आपकी मंगल की ऊर्जा भगवान के घर, भगवान कौन है, भगवान विष्णु जी भी हो सकते हैं, माता दुर्गा भी हो सकती है, भगवान कृष्ण भी हो सकते हैं, हनुमान जी भी हो सकते हैं, भगवान शिव भी हो सकते हैं, वहां पर फिर ये बतासे का प्रसाद चढ़ाया जाता है कि ये मंगल हमेशा देव कृपा के अधीन रहे। और कहते हैं मंगल जब भक्ति में, यानी कि भक्ति, हनुमान जी के बारे में आप जानते हैं, मंगल की ऊर्जा गलत तरफ ना जाए, भक्ति में चली जाए, तो मंदिर में इसीलिए बतासे दिए जाते हैं जहां पर सबसे ज्यादा भक्ति की जाती है। तो इसलिए मंगल की जो ऊर्जा है, मीठा सफेद रंग चढ़ा के बतासे के रूप में हम मंदिर चढ़ाते हैं, इससे आपका मंगल बद ठीक रहता है। मंगल बद ठीक होने का मतलब क्या है, पहले ये समझ ले। देखिए, एक तो क्रोध में कमी आती है, निर्णय लेने में हमें एक किस्म से मदद मिलती है, हम सही और बुरे की पहचान कर पाते हैं, झगड़े फसादों से बचते हैं, ठीक है। और हमें जिंदगी में जो उन्नति मिलती है वो बिना रुकावट के मिलती रहती है, हम सबके मददगार बनते हैं और हमें भी बाहर से मदद मिलती है, ठीक है ना। लोग हमारी मदद करने वाले भी होते हैं, हम डिप्रेशन में कभी नहीं जाते, और मन में एक उत्साह भरा रहता है,
जिंदगी में एक ऊर्जा का संचार लगातार रहता है। और ये मंगल पद वही लोगों की कमियां निकालना, ऐसी आदतों से हम दूर रहते हैं, मन शांत रहता है, शांत मन ही अच्छी उन्नति कर पाता है। तो मंगल पद की ऊर्जा कहीं गलत साइड ना जाए, इसलिए ये बतासे का उपाय किया जाता है, इसी को ध्यान में रख के। अब मैंने बोला आपने भगवान को तो चढ़वा दिए, अब वो भगवान कोई भी हो सकते हैं, हम हनुमान जी को भी चढ़ाते हैं, राम जी को भी चढ़ाते हैं, विष्णु जी को भी, तो ये बतासे आपने पीपल के पेड़ के नीचे क्यों रखवाए, गुरु जी से मैंने पूछा। कहते देख इसमें भी एक रहस्य है, जैसा कि तू जानता है मंगल पद कभी भी साधना नहीं कर सकता, ठीक है ना। मंगल पद क्या करता है, हमेशा लड़ाई झगड़े में लिप्त, और अगर उसे कोई काम कंसल्ट्रेशन का दे देना, बैठ के ध्यान लगा के कोई काम करना, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे बिजनेस के बारे में कोई सोच विचार करके नई सोच के साथ आगे बढ़ना हो और नए आइडियाज लेके उसमें तरक्की करनी हो, तो मंगल एक काम को शुरू करेगा, जो मंगल पद होगा ना वो एक काम को शुरू करेगा लेकिन बीच में छोड़ देगा। लेकिन मंगल जो कि एक काम पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेगा तो वो उसे पूरा करके छोड़ेगा। उसके लिए क्या चीज चाहिए, उसके लिए विवेक चाहिए। विवेक किसके पास है, बृहस्पति के पास। तो हम ये पतासे शांत रूप चंद्र का, बृहस्पति का, पीपल का पेड़ जब उसके नीचे रखवाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा ये समझो। वो पीपल का पेड़ जो कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, जो कि जीवन कारक है और हमारी विवेक और बुद्धि को बढ़ाती है, इसीलिए पीपल की पेड़ की पूजा की जाती है। तो ये मंगल की ऊर्जा जब आप अपने बतासे के रूप में उस पेड़ के नीचे रखेंगे तो इस मंगल पर विवेक की शक्ति बढ़ेगी, यानी कि आपकी बुद्धिमता तीक्ष्ण होगी, आप निर्णय लेने में सक्षम होंगे। विद्यावान गुणी अति चातुर, ठीक है ना, तो ये चतुराई देंगे आपको, मतलब बृहस्पति हर चीज को गहनता से समझने की, विवेकपूर्ण उस पर काम करके उसको साकार रूप करने की एक शक्ति प्रदान करेंगे, जब ये बतासे हम पीपल के पेड़ के नीचे बृहस्पतिवार के दिन रखेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये वहां पर रखाए जाते हैं। ओवरऑल इसका क्या निकलता है, आपके मंगल की ऊर्जा को बैलेंस, चंद्रमा का सहारा लेकर, मंगल का सहारा लेकर मंगल पद को इसमें न्यूट्रल किया जाता है। अगर इसका लॉजिक समझे ना, तो धर्म की राह पर मंगल को चलाया जाता है और बुराई से दूर हटाया जाता है, ठीक है ना। तो बुराई से दूर हटाने के लिए मंगल, क्योंकि हनुमान जी का स्वरूप है तो ध्यान कहाँ लगता है, मंदिर में। तो मंदिर में जब ये भगवान का प्रसाद बनकर लोगों में बढ़ते हैं तो आपका मंगल स्वतः ही ठीक हो जाता है और जीवन में उन्नति की राह खुल जाती है, बीमारियां दूर होती है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, एकाग्रता बढ़ जाती है, ध्यान बढ़ जाता है और विवेक बढ़ जाता है। यही सिद्धांत मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था, आज मैं आपको बता रहा हूं। तो ये पतासे का प्रसाद मंगलवार के दिन सुबह के समय किसी भी देव को चढ़ाएं, आपके मंगल ग्रह शुभ होंगे। जय माता दी।